प्रिय विद्यार्थियों, पक्षिनिया ग्रेमिनीज ट्रिडिसाई ये एक नया सदस्य है जिसके ऊपर हम उसके जीवन चक्र का वर्णन आने वाली स्लाइड्स के अंदर पढ़ेंगे। पक्षिनिया ग्रेमिनीज ट्रिडिसाई जो कि गेहूं के अंदर स्तंभ कीट नामक रोग करता है और रस्ट जैसी महत्वपूर्ण बीमारी को यह है बढ़ावा देता है। रस्ट जैसा कि आप जानते हैं कि गेहूं के अंदर होने वाली इस बीमारी से पौधे की पत्तियों पर लाल रंग के स्तंभ के ऊपर लाल रंग के लाल से भूरे रंग के भूरे से काले रंग के चकते पड़ जाते हैं और ये चकते धीरे धीरे काले पड़ते जाते हैं। पत्ती के अंदर फोटोसिंथेसिस करने की क्षमता कम हो जाती है और उसके फलस्वरूप बनने वाले बीजों की आकार जो है वो कमज़ोर हो जाता है और गेहूं की उपज कम हो जाती है। पक्षिनिया जो कि अगर हम उसका वर्गीकरण देखें तो डिवीज़न माइकोटा, सब डिवीज़न यू माइकोटिना, क्लास बेसिडियोमाइसिटीज, सब क्लास हेट्रोबेसिडियोमाइसिटीडी, ऑर्डर यूरिडिनेल्स, फैमिली पक्षिनियसी, देन जीनस इज पक्षिनिया एंड द डिजीज कॉजिंग इन वीट इज द स्पीशीज इज ग्रेमिनीज वेराइटीज ट्रिटिसाई। पक्षिनिया आर जनरली नोन एज रस्ट फंजाई। लगभग इसकी 700 जातियाँ ज्ञात है और ये ज़्यादातर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स हैं प्लांट्स के ऊपर जो कि अविकल्पी परजीवी के नाम से जानी जाती है। गेहूं में, कॉफ़ी में और बीन्स के अंदर ये एक ऑब्लिगेट पैरासाइट के रूप में बीमारी करता हुआ जाना जाता है। ये पौधे के कोशिकाओं के मध्य में उगता है, ग्रो करता है। ये एक इंटरनल पैरासाइट है और हम कह सकते हैं ये अंतर कोशिकीय फंजाई होती है। पक्षिनिया जनरली हेट्रोशियस है। हेट्रोशियस का अर्थ होता है जो ये पर दो परपोषियों के ऊपर अपना जीवन चक्र पूरा करता है जिसमें एक गेहूं होता है, दूसरा बारबेरी होता है। इसका अगर माइसीलियम देखें हम तो माइसीलियम जो है वो सेपरेट होता है, कोशिकाओं के बीच बीच में पट पाए जाते हैं। डेलिकेट माइसीलियम होता है, अंतर कोशिकीय होता है और होस्टोरिया के माध्यम से भोजन को प्राप्त करता है। जिन होस्ट सेल्स में ये पेनिट्रेट करता है उन कोशिकाओं के अंदर माल फॉर्मेशन और डिस्टॉर्शन हो जाता है। प्रारंभ में इसका माइसीलियम भी मोनोकैरियोटिक एक केंद्र की होता है जो आगे चल करके डाइकैरियोटिक हो जाता है और डाइकैरियोटिक माइसीलियम जो है वो प्राथमिक होस्ट गेहूं को संक्रमित करता है जबकि मोनोकैरियोटिक माइसीलियम जो कि प्राइमरी माइसीलियम के रूप में जाना जाता है वो द्वितीयक होस्ट बारबेरी को संक्रमित करता है। यहाँ पर इसका माइसीलियम दिखाया गया है, माइसीलियम के द्वारा किस प्रकार से होस्टोरिया का निर्माण किया गया जो कोशिकाओं से पौधे की कोशिकाओं से भोजन को खींचने का कार्य कर रहा है। तो इस स्लाइड के अंदर आपको पक्षिनिया के माइसीलियम और उसके भोजन करने के तरीके को समझाया गया है। ये ऑस्ट्रेलिया किस प्रकार से दिखाई देते हैं उसको दिखाया गया है चित्र में। रिप्रोडक्शन, और हम कह सकते हैं कि जब अगर पक्षिनिया का जीवन चक्र हम देखें तो उसके अंदर किस प्रकार की स्टेजेज होती है, कौन प्रकार के बीजाणु बनते हैं, ये आने वाली स्लाइड्स में हम इसका विस्तार से वर्णन देखेंगे। इसकी लाइफ साइकिल दो होस्ट में पूरा होता है, द डिप्लो फेज, और हम कह सकते हैं कि जो डाइकेरियो फेज है वो पैरासाइट होता है गेहूं के ऊपर, जबकि हैप्लो फेज और प्राइमरी माइसिलियम की जो स्टेज होती है वो अतिरिक्त होस्ट या जिसको हम कह सकते हैं एकांतर परपोषी बारबेरी के ऊपर पाई जाती है। लाइफ साइकिल के अंदर मुख्य रूप से पांच प्रकार के बीजाणु बनते हैं। एक यूरिडोस्पोर कहते हैं जिसको यूरिडिनल स्टेज कहते हैं, एक टीलियोस्पोर होता है जिसे हम टीलियल स्टेज कहते हैं, एक बेसिडियो स्पोर होता है जिसे हम बेसिडियल स्टेज कहते हैं, और
एक पिकनीडियल स्टेज जिसमें पिकनीडियोस्पोर बनते हैं, जबकि पांचवी जो प्रकार है वो एसियल या एसिडियल स्टेज होती है जिसके अंदर एसियोस्पोर का निर्माण होता है। पक्षियों के अंदर इस प्रकार से पाए जाने वाले पांच बीजाणुओं के कारण ही इसे हम स्पोर पॉलीमॉर्फिज्म या बीजाणु बहुपूर्णता कहते हैं, बहुरूपता कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर पांच विभिन्न रूपों के या विभिन्न प्रकार के बीजाणुओं का निर्माण होता है। यहाँ पर किस प्रकार से विभिन्न प्रकार के बीजाणु एक दूसरे के अंदर परिवर्तित होकर के और लाइफ साइकिल को पूरा करते हैं, ये इसमें तीर के द्वारा दिखाया गया है। सबसे पहले जो है गेहूं के अंदर यूरिडोस्पोर का निर्माण होता है, वो यूरिडोस्पोर जो है इन्फेक्शन को रिपीट करते हैं, बार बार एक से दूसरी बार फैलाते हैं और सेकेंडरी इन्फेक्शन के द्वारा बीमारी को दूसरे पौधों में पहुँचाने का कार्य करते हैं। ये यूरिडोस्पोर आगे चल करके टेलिडोस्पोर में बदल जाते हैं और टेलिडोस्पोर के अंदर दो केंद्रक होते हैं जिनके अंदर फ्यूजन के द्वारा जायगोट का निर्माण होता है और जायगोट के अंकुरण से बेसिड्यू बीजाणु का निर्माण होता है, जो बेसिड्यू बीजाणु स्पर्म गोनियम का निर्माण करते हैं आगे चल करके, जिसमें पिकनीडियम का निर्माण होता है और ये पिकनीडियम जो है आगे चल करके जिसमें स्पर्मेटोफोर, इसके ऊपर कई सारे स्पर्मेशियम बनते हैं और जो दूसरा इसका जो स्ट्रक्चर है वो उसमें कई सारे पिकनियोस्पोर बनते हैं जो कि मेल गेमिट का कार्य करते हैं और ये प्रक्रिया बारबेरी के ऊपर संपन्न होती है और बारबेरी के ऊपर ही इन दोनों के बीच में फर्टिलाइजेशन या प्लाज्मोगेमी की प्रक्रिया संपन्न होने के कारण साथ साथ में इसमें जो है ये एशियो कप का निर्माण करती है और एशियल कप के अंदर कई सारे एशियोस्पोर बनते हैं जो आगे चल करके पुनः गेहूं को संक्रमित करते हैं। तो इस प्रकार से ये अपने जीवन चक्र को पांच बीजाणु के द्वारा पूरा करने का कार्य करती है। पहले हम यूरिडिनल स्टेज के बारे में जानेंगे। यूरिडिनल स्टेज जो कि फर्स्ट स्टेज होती है रस्ट की, और ये गेहूं के कॉलम और हम कह सकते हैं उसके स्तंभ के ऊपर डेवलप होती है और डेवलप होने के साथ इसमें पस्चूल बनते हैं, जो पस्चूल यूरिडियम के नाम से जाने जाते हैं या यूरिडो पस्चूल्स कहलाते हैं। ये मैच्योरिटी पे उस सरफेस पर बस्ट हो जाते हैं और बस्ट होते ही कई सारे यूरिडोस्पोर रिलीज कर देते हैं। यूरिडोस्पोर एक एक कोशिकीय द्विकेंद्रकीय स्टॉक्ड संरचना होती है जो कि गेहूं की पत्ती के ऊपर या तने के ऊपर यूरिडो रस्ट जो कि लाइट ब्राउन से रेड कलर के सिम्टम उत्पन्न करती है। यहाँ पर उसके लक्षणों को दिखाया गया है। इसमें पत्ती की सरफेस के ऊपर किस प्रकार से लाल से भूरे रंग के सिम्टम दिखाई दे रहे हैं और पास में ही जो है एक यूरिडोस्पोरा दिखाई गई है जिसमें कई प्रकार के यूरिडोस्पोर एक बंच के अंदर पूरे दिखाए गए हैं और यहाँ पर लीफ की सरफेस के ऊपर किस प्रकार से रस्ट या जिसे हम रोली कहते हैं उसके सिम्टम दिखाए गए हैं। यूरिडोस्पोर जो है वो स्मॉल रफली सर्कुलर थिक वॉल्ड रेडी स्पोर होते हैं जो कि इस रप्चर्ड होस्ट के सरफेस के ऊपर दिखाई देते हैं। दूसरी स्टेज जिसे हम टीलियल स्टेज कहते हैं, ये डार्क ब्राउन और ब्लैक कलर के पस्चूल्स होते हैं। ये इन दी फॉर्म्स ऑफ स्ट्रिक्स जो लीफ की सरफेस के ऊपर बनते हैं, तो एक डार्क कलर की उसमें जो है कलर आ जाता है, ब्राउन से डार्क ब्लैक सिम्टम्स उत्पन्न होते हैं और इसे हम टीलियल पस्चूल कहते हैं और इसके अंदर की तरफ जो है कई सारे टेलिडोस्पोर या टीलियोस्पोर पाए जाते हैं। ये टेलिडोस्पोर जो कि बाईसेल्ड होते हैं और प्रत्येक कोशिका जो है वह द्विकेंद्रकीय होती है। हम देखा कि जो यूरिडोस्पोर एक कोशिकीय होते हैं और द्विकेंद्रकीय होते हैं, जबकि टेलिडोस्पोर द्विकोशिकीय होते हैं, दो कोशिकाएं उसके अंदर साफ दिखाई देती है, उसे इसको पहचाना जाता है। यहाँ पर टेलिडोसोराई दिखाई गई है, किस प्रकार से टेलिडोसोराई के अंदर या टेलिडोस्पोर एक बंच के अंदर दिखाई दे रहे हैं और नीचे ही पत्ती के ऊपर जो है या तने के ऊपर इन्फेक्टेड यूरिडिन और टीलियस दोनों दिखाई गई है।
यूरिनरी स्टेज जो है वो थोड़ा लाइट होती है, जबकि टील स्टेज के अंदर हम देखते हैं कि जब पस्तूल थोड़े डार्क कलर के हो जाते हैं। ये दोनों ही इसके अंदर कंपेरिजन में दिखाया गया है। जो तीसरी स्टेज होती है जिसे हम बेसिडियल स्टेज कहते हैं, इसमें टेलिडोस्पोर के अंदर दोनों केंद्रक आपस में एक दूसरे से फ्यूज करके और जायगोट का निर्माण कर लेते हैं, और जायगोट का निर्माण होते ही उसके अंदर मियोसिस की प्रक्रिया होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, जिससे चार हैप्लोइड न्यूक्लियस बनते हैं। ये चारों ही हैप्लोइड न्यूक्लियस टेलिडोस्पोर के द्वारा बनने वाले एक प्रोमाइसीलियम या एपिबेसिडियम के अंदर चले जाते हैं। प्रोमाइसीलियम और एपिबेसिडियम एक ट्यूब के जैसी संरचना होती है जिसमें बाहर की तरफ स्टेरिक मेटा बन करके उन स्टेरिक मेटा के ऊपर या प्रांगुल जिसको कहते हैं उस पर बनते हैं, और प्रांगुलों के ऊपर चार बेसिडियोस्पोर का निर्माण हो जाता है। ये बेसिडियोस्पोर दो प्लस प्रकार के होते हैं, दो माइनस प्रकार के होते हैं, और ये बेसिडियोस्पोर टेलिडोस्पोर से डिटैच होकर के नई पीढ़ी का निर्माण करने के लिए तैयार रहते हैं, और ये उड़ करके बारबरी की पत्ती पे जाकर गिरते हैं, और बारबरी की पत्ती पे जाकर के अंकुरण द्वारा प्लस और माइनस प्रकार के एसिडियल कप का निर्माण, पिग्निडियल कप का निर्माण करते हैं। पिग्निडियल कप या जिसको हम स्पर्गोनियम भी कहते हैं, बेसिडियोस्पोर के जर्मिनेशन से बारबरी की पत्ती के ऊपर, जैसा कि मैंने बताया, उसके ऊपर की सरफेस पे जाकर के वो संक्रमण करते हैं। माइसीलियम जो कि मोनोकैरियोटिक होता है उसका निर्माण करते हैं, और मोनोकैरियोटिक माइसीलियम जो है धीरे धीरे मिल करके और चार दिन के बाद उस पर दो स्ट्रक्चर, जैसा कि बताया आपको, कि पिग्निडिया और एसिडिया उसका निर्माण होता है। पिग्निडिया पत्ती की ऊपरी सरफेस पे बनता है, और एसिडिया जो है वो पत्ती की निचली सरफेस पर बनने का कार्य होता है। हम देख सकते हैं किस प्रकार से एसिडियल कप जो है बना हुआ है नीचे पत्ती की सरफेस के नीचे की ओर, और ये एसिडियल कप जो है थोड़े पीले रंग का होता है, और वेंट्रल सरफेस के ऊपर बारबरी के बन करके नीचे की तरफ जो है कप जैसी संरचनाएँ बनाता है। तो जब पिग्निडियल कप के अंदर पिग्नियोस्पोर और रिसेप्टिव हाइपी का निर्माण होता है, तो रिसेप्टिव हाइपी और पिग्नियोस्पोर दोनों ही आपस में एक दूसरे से अटैच होकर के और प्लाज्मोगेमी संपन्न कर लेते हैं, और डाइक्रोटिक माइसीलियम जो कि बारबरी की पत्ती में नीचे की ओर मूव करता है, और नीचे की ओर मूव करके ये एसिडियल कप का निर्माण करता है। इस एसिडियल कप के अंदर कई सारे बाइसेल्ड चौकोर एसियोस्पोर होते हैं। ये एसियोस्पोर, जैसा कि मैंने बताया, स्पर्मेटाइजेशन की प्रक्रिया होती है और एसिडियोस्पोर बनते हैं। प्रत्येक एसियोस्पोर जो है वो बाइन्यूक्लियेट होता है और ब्राइटली येलो कलर के होते हैं, और ये गेहूँ के ऊपर जर्मिनेट करते हैं, उड़ करके जाते हैं हवा में और जर्मिनेट करके और स्टोमाटा के थ्रू एंटर कर जाते हैं और गेहूं के अंदर जा करके एस्टेब्लिश हो जाते हैं और नई लाइफ साइकिल की गेहूं के अंदर शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपको बताया गया है कि इस प्रकार से पक्षिनिया अपना लाइफ साइकिल पूरा करता है। पक्षिनिया ग्रेमिनीज ट्रिडिसाई जो कि प्लेग स्टेम रस्ट का निर्माण करता है, इसी प्रकार से पौधों के अंदर ब्राउन रस्ट का करने का काम पक्षिनिया रिकोंडिटा करता है, ब्राउन या ऑरेंज भी कहते हैं उसको। पक्षिनिया कोरोनेटा जो है वो प्योरली ब्राउन रस्ट का काम करता है। पक्षिनिया सॉर्गई जो कि कॉर्न की लीफ रस्ट नामक रोग करता है। ये आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से पौधे के तने के ऊपर, कलम के ऊपर किस प्रकार से जो है इसके सिम्टम दिखाई दे रहे हैं रस्ट के। यहाँ पर पत्ती की नीचे वाली सरफेस दिखाई गई है जिसपे एसिडियल कप दिख रहे हैं, तो और नीचे भी पत्ती की सरफेस दिखाई जिसके ऊपर जो है ये रोग आपको रस्ट के रूप में सिम्टम्स जो है उसके दिखाई दे रहे हैं। धन्यवाद। इसी के साथ इसका लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है, और हम देखते हैं कि जो है पक्षिनिया के अंदर पाँच भिन्न प्रकार के बीजाणु जो है वो गेहूँ और बारबरी के ऊपर मिलकर के बनते हैं, और गेहूं और बारबरी के बीच में इसका पूरा जीवन चक्र पूरा होता है। जो एसिडियल और पिग्निडियल कप हैं, या हम कह सकते हैं एसियोस्पोर और पिग्नियोस्पोर जो है वो बारबरी के ऊपर बनते हैं, यूरिडोस्पोर और टेलिडोस्पोर जो है वो गेहूं के ऊपर बनते हैं, जबकि टेलिडोस्पोर से बेसिडियोस्पोर का निर्माण टेलिडोस्पोर के ज़मीन पर गिरने के बाद
उसके ऊपर होता है, सॉइल में होता है। तो इस प्रकार से ये पांचों बीजाणु एक दूसरे से अल्टरनेट होकर के और पक्षिनिया के लाइफ साइकिल को पूरा करने का कार्य करते हैं। धन्यवाद।